Assalamualaikum guys, welcome to Beginner's Lunchbox. आज आपके साथ हॉट एंड स्पाइसी शेजवान सॉस की रेसिपी शेयर करूंगी। दीदे फाड़ने की जरूरत नहीं है। जी हाँ, चाइनीज भी कभी कभी मिर्चे खाते हैं यार, मूड स्विंग्स होते हैं। पाकिस्तानियों का असर है, पाकिस्तानियों ने उन्हें मिर्चे खिलाना सिखा दी। हमने तो अर्तुगरुल की हलीमा को नहीं छोड़ा, उसे भी पाकिस्तानी कढ़ाई खिला दी, तो ये क्या चीज़ है। अच्छा जी, रेसिपी देखिए। 2 चम्मच हमने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, 2 चम्मच चीनी है, 2 चम्मच बारबेक्यू सॉस है, 2 चम्मच सोया सॉस है, 2 चम्मच हमारा विनेगर है यानी सिरका, और 2 चम्मच जो है चिली सॉस है। अच्छा, अगर आपको प्रिजर्वेशन करनी है तो अदरक लहसुन को जो है वो 3 चम्मच ऑयल के साथ आपने फ्राई करना है। 20 से 25 आपने लाल साबुत सुर्ख मिर्चें लेकर उसको आधा कप पानी में थोड़ी देर तक बॉयल देना है, थोड़ा सा नरम करना है, ठीक है जी। तो ये एनफ हो जाएगा। अच्छा, बात हो रही थी मूड स्विंग्स की, डर उस वक्त से है कि खुदा ना खास्ता हमारे पाकिस्तानी भाई बहन जो चाइना गए हैं उनके मूड स्विंग्स हो गए, और उन्होंने ये देखिए 2 चम्मच सिरका जा रहा है। अगर उन्होंने खुदा ना खास्ता केकड़े फ्राई खाने शुरू कर दिए तो कटरीना वायरस इधर ना आ जाए। करीना पहले आ चुका, कटरीना अब आ जाए, करीना कटरीना जो भी है। 2 चम्मच हमने चिली सॉस डाल दी जी की जी, बिल्कुल ऑथेंटिक, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की शॉर्टकट रेसिपी बताऊंगी, झटपट बनेगी। 2 चम्मच सोया सॉस, 2 चम्मच सिरका, 2 चम्मच हमारा बारबेक्यू सॉस और 2 चम्मच हमारी चिली सॉस इसके अंदर जाएगी, और साथ में हमने आधे कप पानी के साथ 25 अदद साबुत सुर्ख मिर्चें जो है वो हमने 5 मिनट तक पका लेनी है। अब ये देखिए 2 चम्मच हमारा बारबेक्यू सॉस जा रहा है, बिल्कुल ज़बरदस्त, ठीक है, ये जा रहा है। और नीचे जो है हमारा मीडियम आंच पे चूल्हा चल रहा है और इसको हम थोड़ा सा नरम होने देंगे। अदरक लहसुन के बारे में दोबारा बता दूँ, अगर तो हम बना रहे हैं हम इसको तेल में फ्राई नहीं कर रहे, वरना अगर आपको 3 महीने तक इसको प्रिजर्व करना है फ्रिज में तो अदरक लहसुन का पेस्ट कच्चा मत डालिएगा, उसको 3 से 4 चम्मच ऑयल में फ्राई करके इसके अंदर ऐड करिएगा, हम इसके अंदर रॉ ऐड करेंगे, ठीक है जी। इस वक्त हमने अदरक लहसुन का पेस्ट इसके अंदर डाल दिया। ओहो, मेरा कैमरा कैच नहीं कर पाया और ये डल गया, अदरक लहसुन का पेस्ट है, हमने डायरेक्ट डाला है, हमारे रात के खाने में ये ख़त्म हो जाएगा। अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दे। एक और टिप बताऊंगी भाई आपको, वो ये है कि अगर आप जो है वो चीनी की जगह गुड़ इस्तेमाल करें, पिसा हुआ गुड़, तो बड़ा ही लाजवाब जायका आता है, ज़िंदगी भर याद रखेंगे क्या आपको टिप दी है। 1 चम्मच हम नमक डालेंगे, 1 चम्मच इसके बाद हम जो है वो 2 चम्मच हमने चीनी डालनी है। गुड़ मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिलता तो खैर है, कोई गल नहीं। इसको हम ये देखिए हमारी काली मिर्च पाउडर चला गया 1 चम्मच, ठीक है जी, अभी नमक गया, अब ये हम चीनी डाल रहे हैं 1-2 चम्मच हम इसके अंदर डालेंगे, तो ये हमारा जो है यहाँ पे ये प्रोसेस डन हो जाएगा। इसको आप शेजवान चटनी भी कह सकते हैं, और भाई घर में देसी जबान में हम चाइनीज चटनी कह सकते हैं बेचारे। अब इसको ग्राइंडर में डाल के पीस देना है, हमारा काम ख़त्म हो गया। इसको आप नूडल्स के साथ खाएं, आप इसको चाइनीज़ राइस के साथ खाएं, और अगर आपने अदरक लहसुन के पेस्ट को फ्राई करके तेल में डाल के आपने फ्राई किया उसके बाद इस चटनी में डाला है तो 3 महीने तक की तो आपकी छुट्टी आराम से इंजॉय करें। कोई भी ऐसी सादी चीज़ खाएं उसके साथ इसको आप नोश फरमाएं। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा, अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।